अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मेरी पहली वीडियो में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रीम वैक्स के बारे में, मेरी सेकंड वीडियो में आप पढ़ चुके हैं वैक्स की सेकंड एंड थर्ड टाइप जो कि है हार्ड वैक्स एंड सॉफ्ट वैक्स। फोर्थ टाइप ऑफ वैक्स है प्री स्ट्रिप वैक्स। प्री स्ट्रिप वैक्स क्या होती है? ऐसी वैक्स की स्ट्रिप्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में रेडी होती हैं, जिसमें आपको ना ठंडा यूज़ करना पड़ता है, ना उसको गर्म करके यूज़ करना पड़ता है, ना आपको किसी स्पेक्चुला स्ट्रिप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने बस बाज़ार से ख़रीदी, उसको रब किया एंड अप्लाई करके हेयर रिमूव कर लिया। ये जो है वो दो कंपनीज में ईजीली अवेलेबल है, वीट एंड वेनेजिया। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इनकी स्मॉल पैकिंग जो है वो 450 की आती है और जो बड़ी पैकिंग है वो 900 तक की आती है। इसके लिए टूल्स क्या चाहिए होते हैं? टूल्स चाहिए होते हैं सबसे पहले हमें वैक्स स्ट्रिप्स, वैक्स स्ट्रिप्स का एक सेट। अगर मेक श्योर आपने अपर लिप से करना है तो उस स्ट्रिप को छोटा सा काट लीजिए, इतना सा उसका पैच काट लें, आप ये जगह पर कर सकते हैं। अगर आपने फेस पर करना है तो भी आप उसको हाफ़ काट लीजिए, आप इस पार्ट पर कर सकते हैं बॉक्स एरिया को। ठीक है, अगर आपने आईब्रो करना है तो भी आप छोटा पार्ट काट लें, यहाँ पर एक स्ट्रिप, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर वन, यहाँ पर लास्ट। ये वैक्स उतरती कैसे है? इसी बॉक्स के अंदर एक आपके पास टिश्यू होता है, एक जिस पर जुजुबा ऑयल लगा होता है। अगर आपके पास वो स्ट्रिप्स नहीं हैं, आप ऐसी स्ट्रिप्स यूज़ करने के बाद जुजुबा ऑयल यूज़ करके आप उसके सारे स्टिकीनेस ख़त्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगेन मैं कहूँगी कि आपने मास्क अप्लाई करना है। मास्क अप्लाई किए बगैर कुछ नहीं होता, बर्निंग सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, वैक्स की फिफ्थ टाइप और लास्ट टाइप है फ्रूट वैक्स। अब फ्रूट वैक्स क्या है? फ्रूट वैक्स सबसे जो एक्सपेंसिव वाली कह सकते हैं ये वो वाली वैक्स है। ठीक है, जो आम ब्यूटी पार्लर में यूज़ नहीं होती। अब ये वाली होती है ऑर्गेनिक वैक्स। ऐसी वैक्स जो ऑर्गेनिक या कुदरती तरीके से बनी हुई, ऐसी वैक्स जो ऑर्गेनिक या कुदरती तरीके से बनी हुई हो, कुदरती अज्जा से बनी हुई हो, उसको कहते हैं फ्रूट वैक्स। अब इसको फ्रूट वैक्स क्यों कहा जाता है और इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें यूज़ होता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, रियल पैराफिन होती है, रियल वैक्स होती है। मोम जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, वो वाली वैक्स यूज़ होती है, मतलब वो वाली मोम यूज़ होती है। उसके साथ होता है हैवी किस्म का फ्रूट फ्लेवर इस्तेमाल होता है। अब ये वाली वैक्स एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें आपको पता है आजकल तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी डिमांड भी ज़्यादा है और मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ें ज़रा कॉस्टली हो जाती हैं। रिका की है, आई डोंट नो कि यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है या नहीं, लेकिन मैंने ऑनलाइन कुछ पेजेस पर देखे हैं। मैंने अभी तक यूज़ नहीं की यहाँ पर मंगवा कर कि वो रियल है या फिर हॉट वैक्स की तरह की कोई क्रीमी फॉर्म है। अच्छा, इस वैक्स को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है अगेन वार्मर, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो ये आपको पता है रूम टेम्परेचर पे मोम जो है वो सख्त हो जाती है, तो इसको पिघलाने के लिए हमें वार्मर यूज़ करना है। साथ में हमें स्पेक्चुला यूज़ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है लगाना है। उसके अलावा हमें रिमूव करने के लिए स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रिप के बगैर ये हाथ से नहीं खींचेगा, इसके लिए स्ट्रिप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मास्क। मेक श्योर गर्ल्स, जब भी वैक्स का नाम लो आपको मास्क का नाम भी याद आ जाए। मिनरल मास्क आपको फेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, मिनरल मास्क आप आफ्टर वैक्स यूज़ करते हो। हमेशा याद रखना मिनरल मास्क आफ्टर वैक्स यूज़ होता है। वैसे अगर गर्मियों का सीज़न है तब आप मिनरल मास्क फेस पर लगा सकते हो, इन केस जब आपको बर्निंग हो जाए, जब आपके फेस रेड हो जाए तब आप मिनरल मास्क यूज़ करते हो। मेक श्योर कि जब भी आप वैक्स करो आप मिनरल मास्क को ना भूलो, लगाए बिना किसी को जाने नहीं दो। आप एक बार थॉरली स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा कोई पॉइंट भी जो स्किप हुआ है वो आपको रिवाइंड हो जाए। ये स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया बाय द पासेज ऑफ टाइम चीज़ें जदीद होती जाती हैं, बेहतर होती जाती हैं और हम उन्हें अपनाते हैं। नंबर वन पे आता है क्रीम वैक्स। क्रीम वैक्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्रीम वैक्स अप्लाई करनी पड़ती है, अप्लाई करने के बाद आपको स्ट्रिप्स लेनी पड़ती है, उससे उखाड़नी पड़ती है। ठीक है, आपको ये दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में क्रीम वैक्स यूज़ कर रहे हो, शुगर वैक्स या लेमन वैक्स, आपको उसको गर्म पानी में उसके जार को डिप करना पड़ता है। सेकेंड आ जाती है ये हार्ड वैक्स। जैसे कि उस क्रीम वैक्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई थी, पाँच चीज़ें, हार्ड वैक्स में हमें चाहिए वार्मर जिसमें आप गर्म कर सको, स्पेक्चुला लकड़ी का, मास्क और पाउडर आपने भूलना नहीं है। ठीक है, मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। अब मास्क एंड पाउडर को निकालते हैं साइड पे,
वन स्टेप में स्ट्रिप वैक्स स्पेक्चुला, टू पे वैक्स स्पेक्चुला, नंबर थ्री आती है सॉफ्ट वैक्स, कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए, आपके हाथ चाहिए, आप मेक श्योर आपके हाथ पे ग्लव्स हो, वो भी रबर वाला, जो सर्जरी के लिए ब्लू वाले यूज़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हो आप। सॉफ्ट वैक्स के बाद आई प्री स्ट्रिप्स, प्री स्ट्रिप्स में आपको हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पट्टी जो लगी हुई है आपने उसको लगाना है, उखाड़ना है, आपकी वैक्स डन, ठीक है। अब लास्ट आ गई फ्रूट वैक्स। फ्रूट वैक्स क्योंकि ऑर्गेनिक है और लोगों ने खुद डिमांड की है, क्योंकि केमिकल से अब लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे को वापस आ रहे हैं, उसमें फिर से वापस पहली और दूसरी वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। अब उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें वार्मर भी यूज़ हो रहा है जो हॉट वैक्स में यूज़ होता है, उसमें स्ट्रिप भी यूज़ हो रही है जो पहली वाले में यूज़ हो रही है क्रीम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो वैक्स के बारे में थी। अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट पहले नहीं जानते और अभी पता चला तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पता चल गया। और अगर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।